एक नया लड़का भी होम्योपैथी ज्वाइन करना है, पास आउट होता है होम्योपैथी से, तो कैसे अपना करियर प्लान करना चाहिए? सर अब तो बड़ा आसान हो गया है क्योंकि होम्योपैथी के लिए एक बड़ा अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट हो गया है। उसको चाहिए कि अगर वो जैसे ही वो क्लिनिक ओपन करता है तो पूरी तरीके से फोकस करे होम्योपैथी के लिए, और बिल्कुल ये ना सोचे कि हम किसी दूसरी शॉर्ट कुछ रास्ता अपनाएं कि हम साथ में एलोपैथी चलाएं पेन के लिए, या फीवर के लिए लोग पैरासीटामॉल वगैरह दे देते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करें। पेशेंट को बिल्कुल सीरियसली मतलब पूरा ईमानदारी सब कुछ बताएं कि अगर आपकी इमरजेंसी है तो आप एलोपैथी के पास जाइए, अगर आपके पास ऐसी कोई बीमारी है जिससे होम्योपैथी हेल्प कर सकती तभी हमारे पास आओ। सर जैसे हम लोग किडनी स्टोन ट्रीट करते हैं तो हमारे पास जो मैक्सिमम मेरा जो केस सही हुआ है 15.5 mm तक का हम लोगों ने मेडिसिन से उसको हम लोग निकाले हैं। यस, तो हम लोग ऐसा केस कोई नहीं लेते हैं कि जो 20 mm के ऊपर हो, 25 mm के ऊपर हो, वो निकल नहीं सकता, या सर उसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा हो तो उसको भी हम लोग नहीं लेते हैं। तो पेशेंट के साथ ईमानदारी से काम करना है। मैंने सर देखा पेशेंट ईमानदारी को बहुत पसंद करते हैं, अगर आप उनको सही राय देते हैं तो आपको हमेशा याद रखते हैं। और दूसरा क्या है सर, जो आजकल का जो युग है वो डिजिटल है, तो हमें अपनी प्रेजेंस, जैसे हमारी क्लिनिक होती है, शॉप होती है, उसको हम लोग खोलते हैं, तो वैसे हमारी प्रेजेंस डिजिटल में जरूर होनी चाहिए।